आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो इस ड्रेस में, सामने तो देखो ना, बाल अच्छे काटे हुए कुछ, बाल भी प्यारे लग रहे हैं। और आज है किसकी बर्थडे, बर्थडे गर्ल, ये दोनों बैठी हैं, तो ये रही इनकी ड्रेस, तो जल्दी से इनको जाना, मैं रेडी कराती हूँ। देखो इतना वजनी इसका फ्रॉक है, तो आज को भी तैयबा को सबसे पहले तैयबा को पहनोगे, तैयबा वजन इसका बहुत है, थकोगी नहीं थकोगी, एक्साइटेड हो? नहीं दिख रही, पैर दिख रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट बस, अब आओ मुझे नहीं असली यू नहीं है, कुछ ही जाएगा। पहले कह रही थी मेरी ड्रेस मुझे पहनाओ, वो खड़ी हुई है वजन देख के, बस ये है कि इसमें ये चल पाए। देखो प्यारी लग रही हो, एक मिनट रुको 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 रुको, सही है पूरे ना, पीछे से दिखाओ, पीछे से घूम के दिखाओ। आ जाओ मेरी बेबी की बारी, आ जाओ। मैं सबसे पहनूंगा। आर यू रेडी? खड़ी हो जाए इसके अंदर, यहाँ से पहना, आ जाओ आ जाओ। ये एक मिनट, सही है, उधर सामने देखो, सामने ये पहनो यहाँ से, और अभी यहाँ से आओ, एक मिनट पीछे दो, जिप तो बंद करने दो। देखा तैयबा बहुत अच्छी बच्ची है, ये बहुत जल्दी चिढ़ जाती है। क्या आप बड़ी हो? उसको लगता है ये किसी बड़े का सूट पहना दिया, कहती है मैं बड़ी नहीं हूँ। युवता फिर क्या पहनूंगी, नहीं पहन रही, कहती है किसी बड़े का है, मेरा नहीं है। आपका ही आया, ठीक है इसको एंड में तैयार करूंगी, सबसे पहले मैं जल्दी से अपनी तैयारी और तैयबा की कर देती हूँ। आयत के मैंने हेयर थोड़ा स्ट्रेट कर लियो, वाह आयत अब तो प्रिंसेस बन गई हो, ये कोई प्रिंसेस है ये? अब हैप्पी हो? अब हैप्पी हो आयत? अब ड्रेस पहनाऊं? अब इसको देख के कहती हूँ, हाँ आपको खुशी हो रही है, चलो शुक्र है इसका मूड थोड़ा अच्छा हुआ। प्रिंसेस वाओ, अब हैप्पी हो, अब खुश हो, अब खुश बैठा बेबी। अब देखो कितना ज्यादा खुश हो रही है, ये तो कोई परी आई है। तरीके से ड्रेस पहना के बिठा दिया क्योंकि वजनी है, और ये जब चलती है तो फिर रोना शुरू कर देती है कि ये किसी और की है, मुझे नहीं पहनना, तो इस क्राउन की वजह से अब हैप्पी है कि ये पहना दिया, तो अब चुप थोड़ा चुप हो गई है। इतना ब्यूटीफुल, कहते हैं कोई बर्थडे पार्टी नहीं है, कोई हम बर्थडे पर नहीं जा रहे हैं, मेरी बर्थडे खत्म करो, ड्रेस ही उतारो मेरा, मुझे नहीं जाना, हम दोनों घर पे रहेंगे, तैयबा को भेज दो केक काटने के लिए, पार्टी फिनिश होगी। यहाँ पर देखो कि ना ये मैं रेडी हो गई, कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। और देखो हील जो है ना, हील देखो मैंने इसके साथ ही वाली मैच कर रही है, तो अब मैं रेडी हो गई हूँ, बाकी सब भी तैयार है, चलेगी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, तो देखो यहाँ पर हम सब तैयार हो गए हैं, लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी निकलते हैं। आयत ने बहुत थैंक यू, उसको वो ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, कहती है किसी बड़े की है, तो पहन ही नहीं रही, ड्रेस साथ में लेकर जा रही हूँ, वहीं पर जाकर इसको पहनाएंगे थोड़ी देर के लिए क्योंकि बहुत हैवी है। तैयबा तो चलो संभाल लेती है लेकिन आयत नहीं संभाल पाती, तो चलो अब चलते हैं। आयत अपनी फ्रॉक नहीं पहन रही थी तो ये इसकी न्यू ही है, फिर मैंने इसको ये वाला पहना दिया, वहां चल के ये वाला पहनना। ओके चलो चलो, पीछे से इतना प्यारा लग रहा है इस फ्रॉक की टेल। तैयार हो गई अम्मी, सबकी जैकेट उठा ली अम्मी, ये तो स्कूल वाली जैकेट है, कोई बात नहीं अम्मी, वो दूसरा गोल्डन सूट नहीं पहना, शादी पे पहनूंगी। अच्छा तो वो वाला न्यू था, चलो ये भी अम्मी ने एक ही दफा अम्मी ने पहना है, और ये अम्मी पे बहुत प्यारा लग रहा है। सही बात पकड़ ली, चलो अब चलो, अब चलो प्रिंसेस को पकड़ के जा रही हूँ, ये रही हमारी प्रिंसेस। दो गाड़ियां जाएंगी ना, सारे वैन में बैठे, सारे गाड़ी में चल रहे हो? हाँ इसी में ही बैठ रहे हैं।
ये देखो पीछे से कैसे बैठी हुई है। अभी ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग शादी में जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है शादी में जा रहे हैं। ये तो ABCD वाली वैन आ गई है। अभी हमारा फेस रिवील नहीं करना। नहीं करूंगी, अभी नहीं करूंगी, डरो मत। जा रहे हैं यहाँ नीचे की तरफ और वो देखो वो रास्ता है ना, ऊपर जाएंगे फिर। और इस साइड पर ना शादियों की बुकिंग भी होती है, तो देखो बाहर ही रही शादी की गाड़ी। सामने जो ना दूल्हा दुल्हन की गाड़ी भी है। और ये देखो ये है हमारी लोकेशन, डेरा दारी। शुक्र है दिखा तो सही। हमारे बैलून वैलून सब लगे हुए यहाँ से दिख रहे हैं। ये देखो आये तैयबा, कितना प्यारा डेकोरेट किया हुआ है। फ्रेंड भी आई है सारा। चलो रास्ते में इनको नींद आ गई है। तो अभी बाकी सबको मैं ऊपर चल के आपको मिलवाती हूँ। इतना प्यारा सजा हुआ है। कितना प्यारा लग रहा है बाबर, बहुत प्यारा लग रहा है। ये एंट्री है तैयबा एंड आयत बर्थडे सैटरडे 4 नवंबर। देखो आपका नाम भी लिखा हुआ है, कितना प्यारा बना यूनिकॉर्न वाला। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा सिस्टर। इतनी प्यारी बनी, मैंने घर पे इसकी बनाई है वीडियो। बहुत अच्छी बच्ची है। पिक्चर बन रही है, वो देखो वो देखो। कोई 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 रास्ते में ना बच्चे सो गए और सारी गाड़ी खराब कर दी। शुक्र है कि इतना मुश्किल से इसको चुप कराया है। फायजा सिस्टर और ताहिरा सिस्टर सब कुछ अरेंज कराया, ड्रेसिंग से लेकर सारी बुकिंग। हाँ, वही बिल्कुल मैचिंग हो गई है। अच्छा लग रहा है, कलर बिल्कुल बैलून से मैच हो गया। अच्छा, जैसा चाहिए था ना बिल्कुल वैसा ही ये बना है। और ये बैलून ना ज्यादा प्यारे लग रहे हैं जो ऊपर लगाए। पहले हमने ये सिलेक्ट किया था ये वाला कि सिर्फ यहाँ बना कर देंगे, फिर ऊपर ये बैलून लगाया ना, इससे और ज्यादा खूबसूरती आ रही है। वो आपकी पहाड़ियाँ सारी। पीछे सारे हमारे पहाड़ भी आ गए। आज स्माइल तो कर दो बेबी, स्माइल कर दो, आपकी पिक्चर बन रही है। सामने देखो नींद आ रही है। वॉक करना है तैयबा, चलो दोनों चल के आओ। बहना का भी हाथ पकड़ो, वॉक करो। गुड गर्ल, वाओ इतनी ब्यूटीफुल प्रिंसेस आ रही है हमारी। आए सामने देखो, यहाँ से देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है, माशाल्लाह बहुत प्यारा। यहाँ से पहाड़ी चाहिए। हाँ अम्मी, कैसी जगह है? माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। और आप सब ठीक हो? आपको जगह कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। और आंटी आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का, बहुत शुक्रिया। बस अभी ये थकने वाली है, इसकी जल्दी से एक दो बना ले। चलो बस लास्ट है। बेटियाँ खेलते खेलते कब बड़ी हो जाती हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता, लेकिन जब तक मैं साथ हूँ इंशाल्लाह हर एक दिन ऐसा ही बनाऊंगी स्पेशल। और ख़ास तौर पर जिस दिन अल्लाह पाक ने तैयबा और आयत को मुझे दिया था, जिस दिन इस दिन को मेरे लिए भेजा था, उस दिन को और खूबसूरत और स्पेशल और ऐसे कलरफुल बनाएंगे, ऐसे रंगों से भरा हुआ कि तैयबा आयत की लाइफ में भी इंशाल्लाह ऐसे ही रंग होंगे जैसे इनकी बर्थडे पे अलग अलग कलर हैं। मैं तैयबा और आयत के लिए मैसेज दे रही हूँ, जब आप बड़ी हो जाओगे, अभी तो आप छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो बहुत प्यारी प्यारी यादें बना कर जा रही हूँ, इनको हमेशा देखना। और कहते हैं कि दुआएं जो है ना मुकद्दर बदल देती हैं, और दुआएं कब कबूल होती हैं? जब आप तकलीफ़ में होती हो। और मैंने अपनी हर तकलीफ़ में आप दोनों का नसीब प्यारा मांगा है,
अल्लाह से कमिटमेंट की है कि आपके हर फैसले पर मैं राज़ी हूँ, मुझे बदले में मेरी बच्चियों के नसीब प्यारे चाहिए, और जब बड़ी हो जाना देखना अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखेगा। और ये एक मैसेज था और एक बहुत ही प्यारी याद थी, तो देखना इनको ज़रूर। तो देखो एक सरप्राइज था कि मेरी फैमिली वाले हैं, ये देखो कौन आया है, बाबर आया है और फारूक भाई आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना लंबा सफर करके आए, गांव से आए हैं और इस्लामाबाद से। और हम लोग बहुत ज्यादा खुश हुए कि मेरे भाई ने भी शिरकत की, ये भी मेरा भाई हो गया, ये भी दोनों भाई आए हैं। और मुझे ये था कि मेरी जो बेटी है इनकी बर्थडे हो रही है, तो इनके मामों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। है ना, अंधेरा हो रहा है और आप केक जो है ना वो कट कर। हाँ जल्दी से हमारी तरफ से भाई आपको आपके घर की और प्लॉट की और छोटी बच्ची की सब की जो है बहुत बहुत मुबारक। और देखो मीर भी हमारे साथ आया हुआ है, मेरी तरफ से भी पूरी यूट्यूब फैमिली को आपको हैप्पी बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक सेलिब्रेशन का। और मैं आपके घर पहली बार आया हूं, और आपका जो घर है वो बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा लगा आपका घर, बहुत जबरदस्त, बाबर घर अच्छा लगा, बहुत प्यारा है आपकी पूरी फैमिली को, और अल्लाह ताला यूं ही आपको तरक्की। और ये पहली सेलिब्रेशन है जिसमें फारूक भाई हमारे साथ है ना, ये पहली है, पहले नहीं थे ना किसी, नहीं पहले मैं नहीं, और बाबर ने तो कोई सेलिब्रेशन मिस नहीं की, यहाँ वाली भी नहीं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है, हाँ मतलब सिटी चेंज हुआ फिर भी सेलिब्रेशन मिस नहीं, नसीब की बात है। हाँ ये देखो चलो अच्छा है ना, अच्छा अभी चले, अभी जो है ना अंधेरा होने वाला है तो आगे की जो है जी जी। और यहाँ पे मुस्तफ़ा का मूड बना हुआ था, मुस्तफ़ा को छोटे बाल नहीं पसंद बिल्कुल भी, मैंने इनके पापा को बोल के भी भेजा था कि बाल ज़्यादा शॉर्ट मत कराइएगा, लेकिन थोड़े से शॉर्ट हो गए जिसकी वजह से इसका मूड ऑफ हो गया। यस लेडीज वेट करना है, अभी अगेन सामने देखिए सर, इसके बाद सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगा। अबू को शौक बिल्कुल भी नहीं है, ना ही वीडियो का ना ही पिक्चर का, तो बस जैसे खाना खा रहे थे वहीं पर ये पिक्चर खिंचवाई। सब सामने देखेंगे कैम को। ओके हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके चलो अभी ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो सितारा बेटी, सारी बच्चे आप मेराज सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ओके यहाँ देखेंगे सब स्माइलिंग फेस रखेंगे, रेडी सामने देखें, स्माइलिंग फेस रेडी, वेट कीजिएगा, स्माइलिंग फेस ओके वेट वंस मोर, यस देखें यहाँ पे। हाँ इसको भी केक खिलाओ, अपनी फ्रेंड को केक खिलाओ, चलो शुक्रिया स्माइल तो भी। ये हमेशा ऐसे ही करती है, हर बर्थडे पे ऐसे करती है। यहाँ पर केक कट चुका है, सेलिब्रेशन हो गई है और इतना ज़्यादा फोटोशूट हुआ, इतना पिक्चर रील्स बनी है ना। और बाकी बताना कि यहाँ का बैकग्राउंड सब कुछ आपको कैसा लगा। अभी खाने का टाइम हो गया, देखो अंधेरा भी हो रहा है तो यहाँ पर खाना लगना शुरू हो गया है। और सुमेरा कैसी हो? ठीक हो। मीर कैसे हो? ठंड लग रही है केक में अभी। इफ्राहिम मुस्तफ़ा का फ्रेंड और सारा तैयबा की आयत की फ्रेंड। हाँ वाओ, इसमें तो आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। मुबारक को आपको प्लाट की, बर्थडे की, बच्चों की, खैर मुबारक आपको ऐसे हजारों दिन की। आमीन आमीन। बच्चों को ठंड हो रही है जैकेट। हाँ और अभी हो गया नमाज का टाइम, यहाँ पे नमाज अदा की जा रही है। ये बैठा है मेरा मुन्ना। क्या हो गया मुस्तफ़ा, आप इतने प्यारे लग रहे हो? क्यों गंदे लग रहे हो? ऐसे नहीं बोलते आप, बहुत प्यारे लग रहे हो। जब अच्छा ठीक है ठीक है, ये तो बताओ ये कैसा लगा आपको यहाँ का? बहुत अच्छा लगा, प्यारी जगह है ना? हाँ जी बहुत प्यारी जगह। अभी शाम का टाइम भी हो रहा है और सब खाना खाने लगे हैं।
मुझे ना उस वो वाला जो स्टेज था ना वहाँ से भी ज़्यादा ये बहुत प्यारा लगा है। यहाँ पे भी दिखाते हैं, देखो अबू कैसा है खाना, अच्छा है, जगह भी प्यारी है ना अबू, थक गई मेरे साथ बैठना है। इसमें कबाब, मलाई रोटी और चिकन कढ़ाई और बिरयानी। और बताओ गाइज कैसे हो गाइज, आपको हमारा सिटी कैसा लगा भाई? माशाल्लाह बहुत प्यारा, ठंडा इलाका है, ठंडा इलाका, सब कुछ साफ साफ है, साफ साफ और हरा भरा इलाका। यहाँ पर मेरा दिल वही कहता है बकरी हो तो घास खा ले। फारूक भाई आपको हमारा सिटी कैसा लगा? बहुत प्यारा, बहुत क्यूट, क्यूट लगा आपको? इसको प्यारा लगा, इसको क्यूट लगा? हाँ सब बताएंगे इनको। मैं तो बोलता हूँ चाय पी लेते हैं, ये ना गला खराब है। चाय मैं उधर से भी पूछ लेती, साइड पे भी पूछ लूँ, कोल्ड ड्रिंक या चाय या दोनों एक साथ? पहले चाय, अभी कोल्ड ड्रिंक मंगवाऊँ या चाय? आयत तो बहुत तंग कर रही थी, आयत ने अपनी देखो ड्रेस भी चेंज कर ली। कैट है, हाँ कैट है, खुले दूध की चाय यहाँ पर, अच्छा फिर तो बेस्ट है खुले दूध की चाय। इलायची वाली मजेदार चाहिए बनाइएगा, पहाड़ों की चाय। छोटा बिल्ली चाहिए। तो अभी देखो खाना सबका हो गया और हमारे लिए गर्मा गर्म मजेदार चाय भी आ गई है। अभी केक खाने लगी हूँ, वो भी यूनिकॉर्न के बाल। ये भी ताहिरा सिस्टर ने मुझे याद कराया कि यूनिकॉर्न के बाल खाने लगी हूँ। कलरफुल चाय कैसी है सिस्टर्स? चलो ये तो हर जगह होता है। आगे की सारी सेलिब्रेशन सोचा वैसे पहाड़ों पर ऐसे हो कि इन छोटे छोटे पहाड़ों से होते होते माउंट एवरेस्ट पे चले जाए। रात का टाइम हो गया है और अभी देखो अंधेरा भी हो गया इस साइड पर, पहाड़ सारे छुप गए हैं और बस अभी चलते हैं। आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आई और आपने उस दिन मिलाद इतना अच्छा पढ़ा, सबने बहुत तारीफ की थी। बचपन की क्या बताऊँ, अब ये मेरे से बड़ा हो गया। हाँ ये बड़ा हो गया। कैसा रहा फारूक भाई आपको ये फंक्शन कैसा लगा? जबरदस्त फंक्शन था और ये ऐसी खुशियाँ जो अल्लाह ताला आपको बार बार और मेरी पूरी फैमिली को और पूरी यूट्यूब फैमिली को अल्लाह ताला यू ही नसीब करे। जबरदस्त, बहुत एंजॉय, बहुत मजा आया। हाँ। खास तौर पर बच्चों बच्चे साथ थे और जब माँ साथ हो ना, कितनी छोटी हो गई है। अम्मी माँ बेटा दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे हो। अल्लाह पाक आप दोनों की जोड़ी ऐसे सलामत रखे, ऐसे दोनों हंसते मुस्कुराते रहो। ये क्या पहना रही है? बहुत बहुत शुक्रिया आंटी आपका, पूरी आ गई मुझे। लो आज ताहिरा सिस्टर का पहली दफा मिली है ना फारूक भाई से? जी, पहली। हाँ पहली पहली बार आज सब सबसे मिलवा दिया। चलो छोड़ दो, अब गंदा हो जैसा अब छोड़ दो। और बाबा आप इतना दूर से हमारे लिए ट्रेवल करके आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। आपका भी बहुत। क्या है और आपको यहाँ का माहौल सब कैसा लगा? बहुत मजे का लगा और माशाल्लाह दिमाग फ्रेश हो गया, फ्रेश हो गया, थकावट थी सब खत्म हो गई यहाँ पे। चलो ये इसी वजह से तो हमने ये माहौल बनाया था। बहुत ही अच्छा और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा था, सबसे अच्छा था ये माहौल, अच्छा था ना? ये बैलून लगे थे। और अब तक की बेस्ट ये सेलिब्रेशन लगी है? अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत अच्छी। क्यों? क्यों? क्योंकि इसके बाल छोटे हो गए ना इस वजह से। वो जो फार्म हाउस पे स्विमिंग पूल में की थी कहते हैं वो ज्यादा अच्छी, नहाते रहते ना इसलिए उनको अच्छा लगे। बैलून फटाने का टाइम आ गया। ये इतना सारा गिफ्ट ले लिया आयत, घर पे चल के खोलना। तैयब आप आगे जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा सिस्टर आपका। है सारा की बारी, तो सारा देखो आपके लिए गिफ्ट लाइए, ले लो, थैंक यू भी बोलो, गिफ्ट लो, से थैंक यू, थैंक यू सारा। वाह आए थैंक यू तो बोल दो। इस जगह पर हमने अपनी बहुत ही प्यारी सी मेमोरी बनाई है, हमेशा याद रहेगा जब कभी भी आएंगे तो। चले चले तो चलो सबको यहाँ पर अल्लाह हाफिज बोल दिया। ये देखो इतनी बड़ी सी माशाल्लाह वैन है, सारे इसमें आ जाएंगे। चलो सब आ गए, सब बैठ गए,
चलो बाय 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 बाय। अभी हम जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। देखो रात में ही कितना प्यारा लग रहा है ना, जैसे चांद सितारों से आसमान सजाओ। कितनी लाइट प्यारी लग रही है। घर आ गया हमारा। चलो उठाओ अपने ये, चलो नीचे। आप तो भाई वापस अपने घर जा रहे हो ना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज फरूख भाई। फिर हेलो मामा का शहजादा, बर्थडे एंजॉय की? की तो। आ जाओ बर्थडे गर्ल, चलो बर्थडे खत्म, गिफ्ट घर चल के खोले करते हैं। आपका भी घर आ गया होगा है ना। हाँ वापस आ गए घर, और हमारी आयत से सबर नहीं हो रहा, इसको ये खोलना है। चलो वाओ आयत, इतना क्यूट सोफा है आपका, ये तो बेड भी बनता है बिल्कुल आयत के जैसा। हैप्पी हो? बेड बन गया, चलो अब सो जाओ। अच्छा है? हाँ बहुत अच्छी है ये। ये आपका बर्थडे गिफ्ट है, और जो आपको मामा ने गिफ्ट दिए ना अभी, वो पैक है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, कल दिखाऊंगी। ओके ये देखो जैसे आए हैं, जूते यहाँ पर निकाल दिए, पहले मैं ये वाले पहन के जा रही थी व्हाइट वाले, तो बस अभी गए, बहुत ज्यादा था। सूट के साथ पिक्चर तो मैंने बहुत अच्छी अच्छी खिंचवाई है, अब देखो आए तो पता चले कि कैसी आती है। मैं जाती हूँ कपड़े चेंज करती हूँ, आप सब बताना आपको बर्थडे आते ही वायद की कैसी लगी। बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया, लेकिन जो सफर था ना, सफर